स्टार्ट करते हैं, बस अभी 2 मिनट रुक जाइए। आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करना है मेनली। बस ज्वाइन होने दीजिए जितने बच्चे आ सकते हैं, 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ जी। ये नहीं पीना। चलो यस। सर आपने फ्लो चार्ट बनाया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसेट्स का, वो 10 ईयर वाले चार्ट का। सर ये ऐप iOS पर है। iOS पे आपको क्लास प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा। ORG कोड जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया था, एक बार उनसे बोलेंगे वो पूरी गाइड कर देंगे आपको करवाने में। उदित आपका वॉइस कट हो गया था, आप फटाफट से अपडेट कर दीजिए क्या डाउट है। सर जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसेट्स का, बिल्कुल वो 10 ईयर वाले चार्ट का ऑपोजिट है। समझ में नहीं आया, आप एक बार भेज देना खुशी, फिर मैं देख लूंगा क्या अपोजिट है। बाकी मैंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का तो चार्ट बनाया था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आप इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। देख यही है 10 ईयर के अंदर। चलिए विदाउट लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर अभी तक क्या कर लिया हमने क्लास के अंदर? क्लास के अंदर कैपिटल गेन कर रहे थे हम स्टार्ट। एक क्लास हो चुकी है, आज है इसकी सेकंड क्लास। जो जितने बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं मैं अगेन कहूंगा, वो पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास कर लीजिए। काफी बच्चों का कहना था सर ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम अलग से फोल्डर बना के डाल दिया है, वैसे तो सैलरी के अंदर डाला था, फिर से अलग से बना के डाल दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसके बाद बच्चे कह रहे हैं यस सर ये अपोजिट है, शायद अपोजिट आप एक बार भेज दीजिएगा, देख लेंगे अपोजिट क्या कह रहे हैं। मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो नंबर दे रखा है, फिर देख लेंगे हम, ठीक है ना। हम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। चलिए सर अभी तक क्या क्या देखा हमने, फटाफट रिवाइज करते हैं। सर हमने देखा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? किसी भी एसेट्स के ऊपर आपका जो प्रॉफिट होगा उसे बोलेंगे हम कैपिटल गेन।
सर डेफिनेशन के हिसाब से अब हमें समझना होगा कि एसेट्स क्या होता है। डेफिनेशन कहता है किसी भी तरीके के प्रॉपर्टी को हम एसेट्स कहेंगे, लेकिन फिर डेफिनेशन ने और एक्सप्लेन किया हो सकता है मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल है तो कोई भी है वो सारा का सारा कैपिटल एसेट्स होगा, लेकिन मूवेबल है तो उसके अंदर अगर पर्सनल है तो कैपिटल एसेट्स नहीं है, और अगर आपका बिजनेस पर्पस के लिए है तो कैपिटल एसेट्स है। अब पर्सनल के भी कुछ एक्सेप्शन है कि 4 से 5 चीजों को छोड़कर बाकी सारे कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाएंगे। जैसे कि क्या था हमारा, पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन था आपका, और ज्वेलरी था आपका, ये सारी चीजों को हमने देखा था। जो कि इसके बाद था सर ट्रांसफर। ट्रांसफर कुछ नॉट रिगार्ड एज अ ट्रांसफर, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेटर है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंसी नहीं रहता इसका। सर इसके बाद मैंने बताया था सिंपली रहे कि आप किसी को सामान देते हैं और आपका माना जाएगा स्टॉक इन ट्रेड, अगर होगा उसे बेचेंगे कन्वर्जन करके तो भी माना जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे हमने क्या देखा था सर, आगे देखा था हमने कैपिटल एसेट्स का, जो कि मैंने अभी बताया मूवेबल इमूवेबल। कुछ पॉइंट्स है कि कैपिटल एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड, रूलर, एग्रीकल्चर, आपका बॉन्ड, ये सभी इंक्लूड नहीं होने वाला। सर टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, यानी सर 24 महीने से ऊपर हुआ लैंड एंड बिल्डिंग तो लॉन्ग टर्म, शेयर्स अगर आपका 12 महीने से ऊपर हुआ तो लॉन्ग टर्म, अदर 36 महीने। तीन ही कैटेगरी था जिसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया। अगर 12 महीने से कम है ये लेस देन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इफ लेस देन या इक्वल टू, मान लो अगर लेस देन इक्वल टू हुआ तो ये माना जाएगा शॉर्ट टर्म, इससे ऊपर जितना भी हुआ वो सारा माना जाएगा लॉन्ग टर्म। अब इसके बाद की कहानी हम आगे करेंगे। अब आ जाएंगे हम सवाल पे, कौन से सवाल पे सर, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो टाइप ऑफ एसेट्स, टाइप ऑफ एसेट्स, यस, जो मैंने अभी, बच्चे शायद कंफ्यूज हो गए, जो मैंने इधर वाला बताया था वो शॉर्ट टर्म था क्योंकि वो 12 महीने से कम था। कोई बात नहीं, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं दोबारा रिकॉल करके उसे समझा दूंगा। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैपिटल गेन ना जब निकाला जा रहा था तब सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, आप समझना एक बार। समस्या ये हुई, एक व्यक्ति ने, एक पर्सन ने घर खरीदा सर, और घर खरीदा 1 लाख रुपए का, और ये खरीदा मान लेते हैं 2000 में खरीदा इसने 1 लाख का। अब इस घर को बेचा इसने 50 लाख का। तो उनका कहना था सर जिस दिन हमने 1 लाख रुपए लगाया था उस दिन 1 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 49 लाख का प्रॉफिट कमाया है सर, पहले इस 2020 में 1 लाख रुपए की वैल्यू को आज की डेट पे लेके आओ, फिर कंपेयर करो ना, बराबरी में कंपैरिजन होगा ना। पहले 1 लाख में मैं 10 तोला सोना खरीद लेता, ज्यादा ही खरीदता 2000 2000 में, तो आज 1 लाख में 2 तोला सोना आता है। तो कंपैरिजन तो आप करो ना कि पहले जो हमारा 1 लाख की वैल्यू, 1 लाख रुपए में बड़े सारे सामान खरीदे जाते थे, लेकिन आज की डेट पे उसे 1 लाख के सामान, लेकिन आप समझ लो जैसे पहले 1 लाख रुपए में 10 तोला यानी 100 ग्राम गोल्ड खरीद सकते थे, लेकिन आज कितना खरीद पा रहे हो 1 लाख में, तो और इसी को खरीदने में कितना लग जाएगा अब 5 लाख। यानी मैं सिंपलिसिटी से बात करूं, जो पहले 1 लाख रुपए खर्चे थे आज की डेट पे उसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख में वो सामान खरीद पाऊंगा। तो कंपैरिजन ऐसे करो ना, 5 और 50 में बेचा है तो आप मेरी कितने बताओ, 45 का प्रॉफिट या लॉस बताओ। गवर्नमेंट ने बोला बात तो ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि बहुतों लोगों ने तो 50 50 एक एक रुपए में भी मकान खरीदे हुए हैं, खरीदे हुए बहुत पुराने जो हैं, और आज बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं हम आपके ये वाले जो 1 लाख रुपए है ना उसको कन्वर्ट करने का तरीका बताएंगे।
आप जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। इस कन्वर्ट करने के लिए एक टेबल हम आपको देंगे जिसको बोला गया इन्फ्लेशन रेट, जिसको बोला गया इंडेक्सेशन। आप इसको इंडेक्सेशन करके कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले इस 1 लाख रुपए को अगर हम बेच रहे हैं 2022 में, तो सबसे पहले इस 1 लाख रुपए को कन्वर्ट करके लेके आएंगे 2022 में, फिर बेचेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला भाई देखो ये चेंजेस बदलाव जो है, इट इज ट्रू कि ये बदलाव हुए हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि साल 6 महीने में ये बदलाव इतना मेजर नहीं हो सकता। अगर आप बोलते हो सर कि 1 साल के अंदर मुझे इंडेक्सेशन अलाउड कर दो तो नहीं देंगे हम, 1 साल में कितना वेरिएशन होगा? मैं तो देख रहा हूं 2 साल से सोने का भाव वही 50,000 रुपए तोला चल रहा है, तो 1 से 2 साल में बदलाव नहीं है। तो बोला जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा ना, उसी को हम रुपए को कन्वर्ट करने की परमिशन देंगे। इसलिए एसेट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक बांटा गया शॉर्ट टर्म और एक बांटा गया लॉन्ग टर्म। वाले को कन्वर्जन अलाउड है और शॉर्ट टर्म वाले को कन्वर्जन अलाउड। अगर आपका ये एसेट्स खरीदा होता सपोज करो 2021 में, तो सर 2021 में 1 का खरीदा, फिर 50 का आपने अगर बेच भी दिया है, तो सीधा सीधा 49 लाख रुपए आपके लिए क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। यानी सर कैपिटल गेन अब 2 निकल सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से निकल सकता है और एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से निकल सकता है, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से निकल सकता है और एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से निकाला जा सकता है कैपिटल गेन। चलिए आइए देखते हैं कि सर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम कैसे निकालेंगे और शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपके मन में एक पॉइंट आ रहा होगा, सर आप मुझे बता दो इसको कन्वर्ट करने का तरीका, कैसे कन्वर्ट किया जाए इसको। कन्वर्ट करने का तरीका होता है, और जितने का हम खरीदते हैं ना, ये मैं दोबारा, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा मैसअप हो गया, मैं दोबारा ले लेता हूं। चलिए कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए, चैप्टर बड़ा आसान है। ये घर खरीदा मैंने 5 लाख रुपए का, सर कब खरीदा 5 लाख रुपए का, 2010 में खरीदा। इस घर को मैंने बेच दिया 8 लाख कम बोल दिया मैंने, 80 लाख रुपए का, कब बेचा 2022 में, और ये ज्यादा लिख दिया मैंने, इतने तो ईयर भी नहीं है, 2020, 10 था ना, 80 लाख रुपए का। तो अगर हम इसमें से सीधा 30 लाख रुपए बोल दें कैपिटल गेन है, तो सर ये गलत है, पहले आपको ये रुपए कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर कब कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप पहले देखिए जो ये घर है क्या लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन कहता है 24 महीने से अगर ऊपर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म। यानी ये लॉन्ग टर्म है तो हमें क्या परमिशन है इसको कन्वर्ट करने का। और सर इस वाले वर्ड को जितने का खरीदते हैं, एक लॉ के लैंग्वेज में इनकम टैक्स के अंदर बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इसका मैं बड़ा छोटा सा नाम रख देता हूं COA, इसको क्या बोला जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हमेशा कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने को बोला जाता है इसको कर दो इंडेक्सेशन, इंडेक्स्ड कर दो या इंडेक्सेशन। आप इसको कर दो इंडेक्स्ड। सर इंडेक्स का मतलब क्या होगा कि आपने अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू को आज के दिन पे कन्वर्ट कर दिया। इंडेक्सेशन करने का तरीका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू में जिस साल सेल किया जाएगा उस साल का इंडेक्सेशन, डिवाइडेड बाय जिस साल परचेज किया गया उस साल का इंडेक्सेशन। सर ये इंडेक्सेशन कहाँ मिलेगा, आपकी किताब में भी गिवन है और ये हर जगह अवेलेबल मिलता है और ये फिक्स रहता है, इसका कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, आपको एग्जाम में वैसे देगा ये, हमेशा क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं 2001 के अंदर 100 होता है, फिर इसी तरीके से 317, 400, तो वो इंडेक्सेशन आपकी किताब में भी है।
10 ईयर में पहले नहीं हुआ करता था, मैंने इस बार डलवा दिया है। जितने बच्चों के पास 10 ईयर होगा उनके पास भी होगा। आप कहीं भी ढूंढेंगे ना इंडेक्सेशन तो आपको मिलेगा, चाहे आप गूगल कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। बाकी मैं लिस्ट पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। अभी फिलहाल मैंने इंडेक्सेशन यहाँ पे लिखा नहीं है, तो नहीं लिखा है तो सर इसका मतलब मैं आपको दिखा दूंगा कि इंडेक्सेशन कहाँ है। चलिए इंडेक्सेशन एक बार देख लेते हैं, इंटरनेट पे ही सर्च कर लेते हैं सर इंडेक्सेशन क्या होता है। यहां पे डाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन। देखिए पहले ही आ गया कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन। तो सर ये लिस्ट आ गई, क्या लिस्ट आ गई, देखिए ये सारी लिस्ट आ गई, आपको दिख रहा होगा आपका 2000। अगर इधर विजुअल नहीं है सर, P60 इज 10 ईयर। अच्छा पेज में बता रहे हैं बच्चे P60, बस मैं ये बताना चाहता हूँ सर ये है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब आपको कहीं भी मिल सकता है, तो परेशान ना हो, आप गूगल भी कर सकते हैं। और गूगल क्या करेंगे, मैं दे ही देता हूँ अभी अभी दे देते हैं। चलिए ये साइज छोटा नहीं हो रहा, बताओ कहाँ खुला है ये भी, जहां से कुछ कर ही नहीं सकते, बस समझाना है। चलो कोई नहीं, यही तो लेना है, ये लीजिए। कहां तक आ गया था, यहां तक। एक बार निकालना भी तो बता दे, सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है। चलिए सर, सर ये आ गया इंडेक्सेशन, मैंने कहा इसका इंडेक्सेशन करिए, तो देखिए सीखिएगा। देखो कुछ बच्चों को जो रेगुलर कॉलेज में उनको आता होगा, कुछ के लिए नहीं आता होगा, तो हम सीखना तो है ही है। मैंने कहा कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन क्या है, जिस साल बेचा गया, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 5 लाख। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, 5 लाख। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिस साल सेल हुआ है उसका इंडेक्सेशन। तो मैंने बोला है 2022 में बेचा है, तो 2022, अब 22 की बात करें तो मैं इसका पूरा डेट दे देता हूं, 2021 और 22, 22 बोला जाए तो 2021-22। तो सर 2021-22 चेक करोगे तो 317, तो यहां रखना है 317 डिवाइडेड बाय परचेज, जिस साल किया गया था वो इंडेक्सेशन। परचेज किया गया था 2010 में, तो 2010 में था 148, 148। तो ये जवाब आएगा मेरे पास कितना, 5 लाख डिवाइडेड बाय 148 इंटू में 317, सर दैट इज 10,70,945, 10,70,945 रुपए। इसका मतलब इस 5 लाख रुपए को हम आज की डेट पे लेके आ गए हैं। अब इससे इसका कंपैरिजन होगा, इसको बेचा 80 लाख में, माइनस अब करेंगे 80 लाख, दैट इज कैपिटल गेन 69,29,054, ये कैपिटल गेन होगा। सिंपल सी बात समझिएगा सर, कैपिटल गेन जो होता है ना लॉन्ग टर्म हुआ तो हमें इंडेक्सेशन आना चाहिए। अब इंडेक्सेशन आने का मतलब सर क्या ये सब हम याद कर ले पूरा का पूरा, नहीं, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। अब आप बोलोगे सर नहीं आया, तो ऐसा आज तक ना हुआ है ना होगा, और इसका गिनने का कोई तरीका भी नहीं है, आपको हर जगह पे मिलेगा और यही रहता है, कोई बदलता नहीं है। जैसे ही अब इस साल आपका 331 है, 331 तो अभी तक आप में आया नहीं है, आप में अभी तक 317 चल रहा है शायद 21-22 का, ठीक है ना। अगले साल आएंगे बच्चे वो 331 वाले सवाल, जितने आगे बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आपका होता जाएगा।
ये सर बनता कैसे, कौन बनाता है इसको? हर साल फाइनेंस मिनिस्टर एक रेट डिसाइड करता है, इस बार का इतना होगा, और वो फाइनेंस एक्ट के अंदर आता है, फिर इनकम टैक्स में आके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। हर साल ये रेट क्या होता है, आता जाता है। दूसरा सवाल आता है कि सर 2002-1 में 100 है, क्या इससे पहले नहीं हुआ करता था? क्या इससे पहले कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की परिभाषा नहीं थी? था इससे पहले, पहले इससे पहले अगर देखा जाए तो 1981 और 82 का था, उससे पहले भी देखा जाए तो था। तो गवर्नमेंट की लिस्टें लंबी होने लग गई थी, तो लिस्टों को उसने क्या कर दिया, बहुत स्मॉल करते गए, बोला भैया आप 2001 से हम स्टार्ट करेंगे, इससे पहले भी होता था। तो कुछ सवाल जो आपके मन में होगा उसको मैंने क्लियर किया है। तो सर जब कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे तो सेल वैल्यू तो ठीक है, ओके, लेकिन हमें जो खरीदा है, जिसको क्या नाम बोला हमने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट। और कन्वर्ट करने के लिए किसकी मदद लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, यानी इंडेक्सेशन की हेल्प लेंगे और इस हिसाब से निकाल लेंगे। सर एक और सवाल आता है, कई बार ऐसा होता है हम इंप्रूव कर देते हैं घर में। इंप्रूव का मतलब होता है सर हमने घर के अंदर क्या करा, कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा लिया, एक फ्लोर और बना लिया, तो उसे बोला जाता है इंप्रूवमेंट। जैसे नया आपने बना लिया कि बोला एक फ्लोर और बना लिया मैंने अपने घर में, तो आप तो बोलोगे एक मंजिल और बना लिया, एक फ्लोर और बना लिया, थोड़ा सा मैंने रिपेयर करवा लिया घर को। लेकिन इनकम टैक्स वाले उसको बोलते हैं भैया ये रिपेयर, एक फ्लोर बनाना हमारे समझ में नहीं आता, इसको बोलिए आप इंप्रूवमेंट। और कितना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगा वो भी माइनस कर लीजिए आप, यानी अगर मैंने 50 लाख का बेचा था और अभी मैंने 10 लाख खर्च किए थे कुछ दिन पहले, तो टोटल माइनस कर लीजिए 10, और वो वाला जो आपका इंडेक्सेशन से आ रहा है टोटल माइनस कर लीजिए। तो इंप्रूवमेंट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को मैं शॉर्टकट में बोलूंगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसको शॉर्टकट में मैं बोलूंगा COI, क्योंकि ना स्पेस कई बार कम होता है, मैं पहले एब्रिविएशन बता दूं ताकि दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बताइए इंडेक्सेशन क्लियर है कैसे होगा, अभी बहुत सारे सवाल करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कैसे लगाना है पहले हमने बता दिया। सर शॉर्ट टर्म हुआ तो एक एग्जांपल ले लेते हैं शॉर्ट टर्म का, अगर ठीक है ठीक, अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो शॉर्ट टर्म के केस में मान लो मैंने 1/1/2022 में एक घर खरीदा, घर खरीदते ही मेरे घर वो सूट नहीं हुआ, मैंने 50 लाख का खरीदा, मुझे मजा नहीं आ रहा था उस घर में, मैंने 31/3/2022 को मैंने कैसे न कैसे करके बेच दिया, कितने का बेचा, 51 का बेच दिया, क्या इसका भी इंडेक्सेशन होगा? जवाब है सर नहीं। क्यों नहीं होगा सर इसका इंडेक्सेशन, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म अलाउड नहीं है। तो सर कैपिटल गेन 1 लाख रुपए, बस बात खत्म। यानी इधर कैपिटल एसेट्स हमारा लॉन्ग टर्म होगा, तो लॉन्ग टर्म के अलग कैलकुलेशन बनती है और शॉर्ट टर्म के अलग। तो सर किस तरीके से निकाला जाए, ये मैंने कुछ चार्ट बना दिया है जिसके अंदर जिन बातों को ध्यान रखना है कैसे होगा। तो सर फटाफट से देखिए मैंने क्या लिखा है, मोड ऑफ कंप्यूटेशन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन को कैसे निकाला जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाला जाएगा या फिर निकाला जाएगा सर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में तीन थे ना, 24, 12, 24, 36, ठीक है ना। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है तो भैया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है सर सेल वैल्यू, कितने का बिका है, नए नए वर्ड हैं आप सीखते जाओगे। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, अब घर बेचते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर को हम ब्रोकरेज देते हैं, तो वो भी हमारा ट्रांसफर सेल है। सपोज करो मैंने 50 लाख रुपए का घर बेचा, 1% कमीशन देना पड़ गया 50,000, तो मैं मानूंगा मेरा घर जो बिका है वो बिका है 49 लाख, यानी जितने मेरे पॉकेट के अंदर पैसे आएंगे दैट इज अ सेल। तो यहाँ पे हमने उसी को थोड़ा डिटेल में कर दिया कि भैया घर तो इतने का बिका लेकिन मैंने प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन इतने का दे दिया, तो उसको क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया, बचा हुआ जो बचा उसे बोलेंगे नेट सेल कंसिडरेशन, इतना मेरे पॉकेट में आया। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने का खरीदा था, लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जितने का हमने उसमें रिपेयर करवाया। इसके बाद आ जाएगा सर ग्रॉस कैपिटल गेन, ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके बाद हम कुछ डिडक्शन देंगे जो बात कर रहे थे डेफिनेशन में, और ये आ जाएगा हमारा कैपिटल। तो ये किसकी कहानी थी, लॉन्ग टर्म पे आ जाइए, लॉन्ग टर्म पे क्या कहता है सर, सेम है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्सपेंस, सर कोई फर्क ही नहीं है। अब यहां देखिए यहां लिखा लेस क्या करें, इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब वही कन्वर्ट, इंडेक्स का मतलब क्या है,
कन्वर्ट करके जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा वो माइनस करिए, लेस करिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अच्छा, इसका मतलब जो इंप्रूवमेंट होगा उसको भी कन्वर्ट करना है। बिल्कुल हाँ, उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आ गया ग्रॉस और 54 to 54 GV इफ एनी, कोई भी डिडक्शन देने के बाद ये आ जाता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म आ गया और लॉन्ग टर्म आ गया। कुछ बातें नोट में है, और नोट में क्या बातें हैं, कुछ एसेट्स का इंडेक्सेशन नहीं हो सकता सर। ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनका इंडेक्सेशन नहीं करना, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म। पहला, डेप्रिशिएबल एसेट्स। ऐसा एसेट्स जिसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगाया जाता है उसका इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, चाहे शॉर्ट टर्म। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी पे डेप्रिशिएशन लगता है, तो ऐसे एसेट्स पे इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। इसके बाद डिबेंचर और बॉन्ड, इस पे भी इंडेक्सेशन नहीं होगा सर। ये हमेशा इसका नेचर शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा, यानी सर इसका इंडेक्सेशन नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका इंडेक्सेशन हुआ वो लॉन्ग टर्म, और जिसका इंडेक्सेशन नहीं हुआ वो, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ ये जो मैं लिस्ट कुछ नोट लिखे हैं, इसका इंडेक्सेशन नहीं करना, मतलब सर इसका नेचर रहेगा हमेशा शॉर्ट टर्म। बिल्कुल हाँ, भले ही एसेट्स आपका 40 महीने के लिए हो, लेकिन उसका जो कैपिटल गेन निकलेगा हमेशा क्या निकलेगा, शॉर्ट टर्म निकलेगा। और क्या है सर, लिस्टेड इक्विटी शेयर, इसका भी इंडेक्सेशन नहीं होगा, लेकिन इसे एक्सेप्शन कर लेते हैं सर, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो सकता है, अलाउड है इंडेक्स इंडेक्सेशन, हम देखेंगे। कहता है इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बाकी के जो हमारे ये लिखे हुए हैं ना सारे पॉइंट्स, इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे पहले सवाल कर लेंगे, फिर सवाल करने के बाद इसे पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए सर, अच्छा इंडेक्सेशन डाला था, मेरे को पता ही नहीं था ये था इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन क्या करना, एक सवाल देखते हैं, सीधा क्वेश्चन करेंगे और फॉर्मेट मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा, सारे के सारे आज क्वेश्चन करेंगे आपकी किताब के, ग्रीस आहूजा बुक के, किताब के आपके सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। काफी बच्चे कह रहे थे सर बुक का आप यूज ही नहीं करवा रहे, पहले तो आपने बोला बुक लो, धीरे धीरे यूज होगा, एकदम से नहीं होगा। कहना है सर एक बार क्लियर कर दो सही से कौन सा है लॉन्ग टर्म, अभी क्लियर करेंगे रमन। लॉन्ग टर्म कितने ईयर का होगा आपका, लॉन्ग टर्म कितने ईयर का होगा, शायद आपकी आज फर्स्ट क्लास है, एक बार पिछली क्लास जरूर देख लें, उसमें 24 36 महीने का अलग अलग था, वो आएगा। लैंड एंड एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएबल होती है सर, देखो लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएबल है, लेकिन यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है डेप्रिशिए। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वैसे तो सारे फिक्स एसेट्स कैपिटल एसेट डेप्रिशिएबल है, लेकिन डेप्रिशिएबल एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, मैंने कहा जो ये नोट है ना, ये मैंने नोट अभी पढ़ दिया है, इसके लिए देखो मैंने प्रिपेयर कर रखा है, आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने पूरा लिस्ट बनाया था। ये देखो यहाँ पे पूरा समझाने वाला हूँ कौन सा डेप्रिशिएबल एसेट्स है कौन सा नहीं है, सारी बातें कर लेंगे यहाँ पे, तो अभी बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। चलिए एक छोटा सा सवाल तो करने दो, एक सवाल तो करें पहले, तभी तो हम क्लियर करेंगे, फॉर्मेट बना लेते हैं। और आज की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक बेसिक सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे सवाल के थ्रू कर लेंगे, बाकी आपकी किताब में भी ये सवाल है और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो किताब में जरूरत है नहीं। चलिए सर सवाल क्या कहता है, कहता है एक्स परचेज अ प्राइस अ पीस ऑफ लैंड 4/1/1978, 1978 में खरीदा गया 4/1, ठीक है, दिस लैंड सोल्ड बाय हिम, इसको खरीदा कितने का गया और इसको बेच दिया गया 1/4/2021 को, सर 1/4/2021 में 17 लाख का, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड। सर ये नई बातें आ गई जो मुझे आपको सिखाना है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 2%। अब सर हमें आपने सिखाया, यहां लिखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन
सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बाद आप यहां से माइनस कर दो सेलिंग एक्सपेंस, जिसको ट्रांसफर एक्सपेंस भी बोल देते हैं, तब जाके आपका यहां पे आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन सर इसके बाद माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में खरीदा कितने का था, 5 लाख। फॉर्मूला देखिए क्या लिखा था सर, फॉर्मूला कहां गया, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या कहता है, जिस साल आपका ये फॉर्मूला क्या कहता है, जिस साल आपका ये सेल हुआ वो ले लो और जिस साल आपने खरीदा वो ले लो। तो चलिए सर जिस साल सेल हुआ इंटू में करना है, तो जिस साल सेल हुआ उसको अगर इंटू में करें तो सेल हुआ हमारा 2021 में, सेल 2000 देखते जाइएगा 2021। सर 2021 की बात करें तो ये 301 है, तो लीजिए सर यहां मैंने ले लिया 301 डिवाइडेड बाय जिस साल खरीदा गया था। सर खरीदा कब गया था सवाल में, 1978, तो सर यहां पे 1978 की लिस्ट ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब जो 2001 और 2 से पहले प्रॉपर्टी बेचेंगे क्या उनको हक नहीं है कि इंडेक्सेशन करने का, गवर्नमेंट ने बोला ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदा हो 2001 और 2 से पहले, इस दिन का जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा उसके ऊपर इंडेक्सेशन करना, गवर्नमेंट ने कहा। यानी सर अगर इन केस ऑफ यू परचेज एनी लैंड बिफोर 2001 और 2, देन इंडेक्सेशन विल बी डन फेयर मार्केट वैल्यू, किस डेट का, 1 और 2 का जो भी वैल्यू होगा उसके ऊपर। पहले तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने प्लॉट, अभी मेरे वाले क्वेश्चन में भी देख लीजिए, ये प्लॉट जी 50,000 का खरीदा था, मैं कह दूं ना ना तुम्हें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, बोलेगा ऐसा कैसे, बोला कि भैया पहले आपके पास, हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है इंडेक्सेशन का, हमारे पास तो लिस्ट है 2001 और 2002 से, तो आप पहले पता करिए कि इसका कितना वैल्यू रहा होगा, कितना वैल्यू इसका रहा होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है पता करना। और वैसे हम सवाल में तो किसी से पूछ नहीं सकते, तो हमें एग्जामिनर दे देगा 1/4/2001 का ये वैल्यू रहा है, जिसको बोलते हैं FMV फेयर मार्केट वैल्यू, जिसको हम बोल देते हैं फेयर मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। तो हम क्या ले लेते हैं सर, मार्केट वैल्यू। इसका मतलब सर बहुत सीधी सी बात है, यहां पे ये वैल्यू कामयाब नहीं है, हमें यहां पे क्या लेना पड़ेगा, 5 लाख के बजाय फेयर मार्केट वैल्यू जो कि है 5,11,000। अब इंटू में सर कब बेचा है, बेचा 2021 में है और 9/21 में बेचा है सर, तो 9/21 की बात करें तो 21/22 आ गया, 317 ले लिया जाए इसमें, 317 डिवाइडेड बाय सर डिवाइड, अगर आपने 2001 और 2002 का वैल्यू लिया है तो क्या इस साल का हमारे पास इंडेक्सेशन है या नहीं है, है सर। कितना है सर, स्टार्टिंग का हमेशा 100 ही रहेगा, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, समझ रहे हो बात। सेल कंसिडरेशन तो सवाल ने कहा ही था कि हमने कितने का करा है सर, 17 लाख। सेलिंग एक्सपेंस 2%, तो इसका 2% निकालोगे तो 38,000, इसको माइनस करके कर लेंगे पहले। अब यहां तक देखिए, किसी के सवाल में कोई डाउट है तो बताइए, क्या आएगा 38, अच्छा 34 आएगा, 34। तो सर 17 लाख का 2% माइनस करके 16,66,000। अब इसको देख लेते हैं, 511,200 ये 16,20,500 सर ये आ गया, इसको माइनस करेंगे। अब आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक वर्ड और बोलूं मैं ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल वर्ड के लिए, LTCG स्टैंडर्ड वर्ड है, इस्तेमाल किया जाता है इसको, LTCG। तो कितने आ गए, 45,496 या 96। चलिए बताइए, पहला सवाल हमने कर लिया, थोड़ा सा टेस्टिंग, एक हमने देख लिया कि क्या करना है। इस सवाल में हमें एक बात समझ में आया, इन केस ऑफ क्या आया नोट, मैं यहां नोट लिख देता हूं सर, क्या समझ में आया इसमें, इन केस ऑफ एनी एसेट्स
परचेज बिफोर 1/4/2001 देन मार्केट वैल्यू टेकन ऑन द डेट 1/4/2001। कहने का मतलब है सर, इन केस ऑफ एनी एसेट्स परचेज बिफोर 1/4/2001 देन मार्केट वैल्यू टेकन करना पड़ेगा 1/4/2001 एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिंपल से सवाल है, एक नोट हमने देख लिया, पीछे एक ही बार पढ़ लेंगे, जो चार्ट वगैरह में नोट है ना वो एक ही बार पढ़ लेंगे, बाकी मेरे को चार्ट में से करके मजा नहीं आता, मेरे को लिखने में ज्यादा मजा आता है कि साथ के साथ होता जाए। क्लियर सर? सर ये 100 क्या है? 100 इंडेक्सेशन का पार्ट है, उसमें कह रखा है कि इस साल का इंडेक्सेशन 100 होगा। अभी आगे देखते जाइए, एक और सवाल करें। चलिए एक और सवाल, मैंने कहा था ये सवाल जितने भी रहेंगे वो बहुत कम आपका टाइम टेकिंग करेंगे, बस आपको पढ़ने में जो टाइम लग जाए। ये तो बहुत बड़ा हो गया। चलिए सर, आ जाइए, क्या कहता है सवाल? कहता है एक्स एक्वायर द प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर 1982 और 83 में 5 लाख का एंड पेड, एक मिनट मैं इससे थोड़ा और आसान सवाल देख लिया जाए। गिफ्टेड, ठीक है सर, इसके बाद ये है 7, 8, चलिए ठीक है, सीक्वेंस ही चल लेंगे। ध्यान दीजिए, कहता है एक्स है, मिस्टर एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है सर। इसने एक घर खरीदा, एक प्रॉपर्टी खरीदा, सर प्रॉपर्टी खरीदा 1982 और 83, 1982-83 कितने का खरीदा सर? 5 लाख का, एंड पेड 1,18,000 एज अ रजिस्ट्रेशन चार्ज। सर रजिस्ट्रेशन चार्ज पेड कर दिया इसने 1,18,000। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1/4/2001 का कितने का था हमारा? तो सर 1/4/2001 का मार्केट वैल्यू 20 लाख। तो सर ये पुराने वाला क्या कोई काम का है मेरे? नहीं है सर, पुराने वाला वैल्यू किसी काम का नहीं, हमारा सीधा वैल्यू कौन सा आएगा? 1/4/2001 वाला। आगे कहता है क्वेश्चन में एक्स डाइड, समस्या यहां एक्स नहीं रहा, जो एक्स है वो डाइड हो गया, एक्स के डेथ हो गई। डेथ कब हुआ एक्स का? 15/9/2018 और द प्रॉपर्टी वॉज ट्रांसफर हिज सन, और ये घर इसके बेटे को मिल गया। किसको मिला? वाई को, जो उसका बेटा वाई था, थ्रू इनहेरेंट्स, इनहेरेंट्स का मतलब विरासत में मिल गया। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 15/4/2018 और इस दिन का भी मार्केट वैल्यू हम बता रहे हैं आपको कितने रुपए? सर 40 लाख। इसके बेटे को जिस दिन प्रॉपर्टी मिला उस दिन प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी? 40 लाख। वाई सोल्ड दिस प्रॉपर्टी, और वाई ने अपने पापा की प्रॉपर्टी को बेच दिया, कितने का बेच दिया? 65 लाख का, 31/5/2021। 31/5/2021 सर कितने का बेच दिया? 65 लाख रुपए का बेच दिया इसने।
कहता है कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 22-23 जो कि हम कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। सवाल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सर कितने का बेचा, लेस एक्सपेंस, सर कोई एक्सपेंस सवाल में डिस्कस नहीं किया गया तो नहीं होगा, ये आ जाएगा नेट सेल कंसीडरेशन, सर क्या आएगा नेट सेल कंसीडरेशन 65 लाख, माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सवाल ये आता है इसके पापा ने खरीदा था 5 लाख का, फिर 1 तारीख का वैल्यू ये था, इसका बेटे को जिस दिन मिला वैल्यू 40 लाख था। अब तीनों में से पहले तो ये दोनों क्लियर करते हैं, ये दोनों तो में से तो आएगा पक्का ये, यानी सर ये वाला पार्ट तो किसी काम का नहीं, इसको तो पहले दिमाग से निकालो। अब कंफ्यूजन है कि बेटे ने बेचा है तो बेटे का खरीदा हुआ क्या प्राइस माने, 40 लाख प्राइस माने, क्योंकि जिस दिन उसको मिला वो क्या था 40 लाख, या 20 लाख माने जो कि 1/4 का वैल्यू था। सवाल यहां पे ये आता है कंफ्यूजन वाला, तो क्या कहा रूल, देखो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, रूल क्या कहता है, रूल कहता है भैया प्रीवियस ओनर का ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। सर प्रीवियस ओनर का मतलब भैया ये नया ओनर है और प्रीवियस ओनर इसके पिताजी हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा प्रीवियस ओनर का लेना पड़ेगा। अगर इसके पापा गिफ्ट भी दे देते ना तो कौन सा लेते, प्रीवियस ओनर। सर यानी सवाल में सबसे मेन पॉइंट यहां पे लेंगे हम 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 100 रहेगा, 100 क्यों, क्योंकि हम 20 लाख रुपए ले रहे हैं इस डेट का, और सर इस डेट की इंडेक्सेशन की अगर हम बात करें तो इस डेट का इंडेक्सेशन हमारा कितना था 100, और हम अगर 21-22 की बात कर लें तो क्या है 317, तो सर 21-22 में आ जाएगा 317। तो एक सवाल और समझा, पिछले वाले सवाल में हमने क्या सीखा कि अगर हमें पुरानी वैल्यू गिवन है तो 2001 की वैल्यू ले लेंगे। इस वाले सवाल में क्या सीखा हमने, अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे फ्री में इनहेरिटेंस में गिफ्ट में ट्रांसफर हुआ हो कभी भी, तो हम उस डेट पे क्या वैल्यू है डजंट मैटर, जो पुराने मालिक ने खरीदा था वो वैल्यू से हम सारा का सारा कंसिडर करेंगे। सर तो आ जाइए यहां पे देखा जाए तो 20 लाख इंटू में 317 डिवाइडेड बाय 100, सर 63,40,000। अब आ गया ये LTCG, हाँ 61। किसी बच्चे को कोई इसमें डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, फादर अगर सन को देता है तो वो भी ट्रांसफर थोड़ी होता है, बिल्कुल सही बात है, वो ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि ट्रांसफर रिगार्ड नॉट जिस दिन बिका ही नहीं माना जाएगा, तो फिर माना जाएगा जिस दिन खरीदा है उसकी वैल्यू मानेंगे। पहले बताइए इस सवाल में कोई डाउट, एक बच्चा कह रहा है सर 2021 में से 2078 तक ये 43 साल होते हैं तो लॉन्ग टर्म है, हाँ जी इतना ज्यादा थोड़ी जाना है, हमें तो वैसे ही पता चल रहा है सर ये लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल आपके 10 ईयर के अंदर सारे गिवन है, और ये पीडीएफ तो देखो मैं अपलोड करता ही हूँ कि आप इसको नोट करवाओ, क्योंकि मैं नोट करने के लिए टाइम देता नहीं, और जो बच्चे ऑफलाइन भी हैं उनको भी टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे पीडीएफ अपडेट किया जा रहा है, लास्ट क्लास का भी आ गया होगा पीडीएफ जिससे कि आप नोट कर पाओ, उस पीडीएफ को सेव करके नहीं रखना, नहीं तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा आपके लिए। सर वीडियो डिसेबल्ड, सर वीडियो डिसेबल्ड है तो आप देख कैसे रहे हैं पहले बताइए। बच्चे कह रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन चार्ज की वैल्यू ऐड नहीं होगा, अब देखिए रजिस्ट्रेशन चार्ज की वैल्यू इसलिए ऐड नहीं होगा क्योंकि इस दिन जो वैल्यू निकाला गया होगा ना वो सारा पीछे का जोड़ के निकाला गया होगा, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज इररिलेवेंट रहेगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखा जाए, और यहां पे ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम का कोई रोल नहीं रहता तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है सर फिलहाल के लिए, तो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, हम इसी तरीके से छोटे छोटे सवाल देख लेंगे और उसके बाद फिर बड़े सवाल पे आएंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है सर ये, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है।
देखिए सवाल में क्या कहता है, एसेट्स एक्वायर्ड बाय एसएससी फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। सर एक एसेट्स एक्वायर किया गया था 1/4/2001 में। कहता है एक्स एक्वायर अ लैंड, एक्स ने एक्वायर लैंड किया था 1997 में और 98 में 60,000 रुपए का, और गिफ्टेड टू मेजर सन। अब यहां गिफ्ट दे दिया गया, अपने बेटे को गिफ्ट दे दिया, कब दे दिया गया, 1/6/2000। सवाल तो आप समझ ही गए होंगे। और जिस दिन गिफ्ट दिया गया उस दिन इसका वैल्यू था 11,50,000। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1/4 को 12 लाख रुपए। और सर बोलता है सवाल में 1/4 को हमारे जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 12 लाख। वाई ने सोल्ड कर दिया इस गिफ्ट को 21/22 के अंदर 40 लाख का। तो सर सोल्ड यानी सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन मैंने लिख दिया, पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर कितने का बेचा, 40 लाख। सेलिंग एक्सपेंस है क्या, अज्यूम दैट एक्सपेंस ट्रांसफर 1 लाख रुपए, तो है सर। एक्सपेंस कितने का है, 1 लाख का, तो बचा हमारा कितने का, 39 लाख का। इसके बाद क्या कहता है, कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, अज्यूम द एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1 लाख रुपए है। What would be the capital gain if land was gifted by X to his son on 15/5/2007? अगर इसके बेटे को इस दिन गिफ्ट दिया जाता तो क्या आता? सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो माइनस कर दें COA, COA में FMB लेंगे, FMB कितना है 12 लाख इंटू में, अब डिवाइडेड में तो 100 रहेगा क्योंकि कौन सा ऑनर लेगा। इस डेट पे इसके बेटे को मिला तो क्या ये डेट कंसीडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट क्या आएगा यहाँ पे। और इनटू में हमारा 317 38 लाख, सर 38,04,000 माइनस करके आ गया हमारा एलटीसी 90। सर बोलता है कि अगर इसके बेटे को 15/5/2007 में देता तो क्या फर्क पड़ रहा है, बेटे को तुम कभी भी दे दो, बेटे की वाले को जिस दिन मिला है उस दिन के वैल्यू का तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो बेटे को उस दिन भी देता तो क्या आपके आंसर पे फर्क पड़ता। जवाब है सर नहीं नहीं कोई आंसर पे फर्क हमारा नहीं पड़ता। सर स्क्रीन पर मैसेज शो हो रहा है, कौन सा मैसेज आ रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। वीडियो चल नहीं रही है भाई, बाकी बच्चे जितने भी हैं लाइव में बताइए वीडियो क्लियर आ रही है नहीं आ रही, ताकि पता चल पाए कि अगर सभी को दिक्कत आ रही है तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर कुछ को दिक्कत आ रही है तो हो सकता है इंटरनेट वहां पे सेटिंग का ऑप्शन होता है वो ठीक कर लेंगे। कह रहे हैं वीडियो डिसेबल्ड, कुछ बच्चे कह रहे हैं डिसेबल्ड, तो जिन बच्चे का आ रहे हैं ना डिसेबल्ड, आप एक काम करिए दूसरा कोई भी मोबाइल हो तो एक बार वीडियो बना लिए ताकि मैं उसके आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा पाऊँ, देख के क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आ रहा। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर आ रही है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं वीडियो चल नहीं रही बट डिसेबल्ड शो हो रहा है, तो एक बार प्लीज़ जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी रिकॉर्डेड तो आपको मिलता ही मिलता है, जिसके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है वो फटाफट से एक छोटे से किसी अदर मोबाइल से, स्क्रीनशॉट तो लिया नहीं जाएगा, किसी अदर मोबाइल से छोटे वीडियो बना के आप मुझे भेज दीजिएगा 9136 36 वाला जो नंबर भेजा हुआ है उस पे। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, चलो मैंने कर लिया सर रिफ्रेश। हाँ अब यहां पे बच्चे बढ़ गए रिफ्रेश करने के बाद। बच्चे कह रहे हैं सर 12 लाख रुपए क्यों किया, क्योंकि एफएमबी इस डेट पे जो मार्केट वैल्यू होगा उसी को तो लिया जाएगा, आपने प्रॉपर्टी इस डेट पे खरीदा है, इस डेट पे इंडेक्सेशन तो है ही नहीं, तो कौन से डेट का वैल्यू लेंगे,
एक चार का वैल्यू लेंगे जिस दिन का इंडेक्सेशन अवेलेबल है, और सवाल में यही दे रखा है। चलिए देखिए मैं दोबारा समझा देता हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं। सवाल में यह था कि मिस्टर एक्स का, एक्स ने ये प्रॉपर्टी खरीदा था 1997 98 में, 97 98 में कितने का, 6 लाख का। उसके बाद उसने अपने बेटे को 1/6/2000 में, मरा नहीं है यहाँ पे, अपने बेटे को गिफ्ट दे दिया है 11,50,000 रुपए। उस दिन वैल्यू था जिस दिन बेटे को क्या दिया था, इसने गिफ्ट दिया था, उस दिन की वैल्यू है। तो सर इस दिन खरीदा था, बेटे को इस दिन गिफ्ट दिया था, और बेटे ने क्या करा, चालाकी करी और बेटे ने बेच दिया इसको। कब बेचा भाई बेटे ने, 15/9/2021 में बेटे ने सोल्ड कर दिया। कितने का बेचा सर, 40 लाख रुपए का। तो सबसे पहले एसेट्स बेचा गया है तो कैपिटल गेन अराइज होगा, और लॉन्ग टर्म ही होगा क्योंकि लंबे समय का है। तो सबसे पहले सर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये रहा 40 लाख, एक्सपेंस क्वेश्चन में बोला था 1 लाख रुपए। अब बात करते हैं इंडेक्सेशन। सर 1/4 को ये वाला जो वैल्यू होगा वो तो इंडेक्सेशन के हमारे पास है नहीं, तो किस डेट की वैल्यू पकड़नी पड़ेगी हमें, 2001 और 2 की। 2001 और 2 की हमें वैल्यू दे रखी है 12 लाख, वही लिया। उसका इंडेक्सेशन 100 होता है, और जिस साल बेचा जा रहा है 21/22, 21/22 है, 21/22 का इंडेक्सेशन क्या होता है, 317, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे निकाल लिया है। बड़ी सीधी सी बात है यहाँ पे। दो हजार वो देगा, हमेशा हमेशा देगा, नहीं देगा तो आप अजम्पशन ले सकते हो कि सर हमारे मार्केट वैल्यू इसी को कंसीडर करके कर रहे हैं। अगले सवाल किसे करने से पहले, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ये थ्योरी वाला पोर्शन ना, अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया, हाँ सर इसमें ऐसा होता है ऐसा होता है, फिर थ्योरी पढ़ूंगा क्लियर हो जाएगा, हाँ ये तो करा तो था अभी प्रैक्टिकल में, यही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं पहले प्रैक्टिकल ही करा देता हूँ। सर क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है ई परचेज ए हाउस 2005 में 4,10,000 एंड पेड 1,000 गेटिंग फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। 15/6 को ही स्पेंट, ध्यान दीजिएगा, 15/6 को इसने 1,80,000 रुपए खर्च दिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ हाउस, द हाउस सोल्ड ऑन 21/10/21 को कितने का, 25 लाख का। कमीशन भी दिया सर 45,000, वॉज पेड सेल हाउस। कंप्यूट कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। अब देखिए सवाल के अंदर सीआईआई दे रहा है, सीआईए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, तो हम ना इसको सीआईआई भी बोल देते हैं। सीआईआई क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, महंगाई के लिए तो था कि महंगाई बढ़ गया तो हमारा रेट वही मिलना चाहिए। कहता है सर 5/6/6/7 और 21/22 का हमने कुछ डेटा आपको दे दिया है, तो सवाल एग्जाम में ऐसे ही डेटा मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि आपको बार बार देखना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तो डेटा जैसे यहां मिला है मिलेगा। चलिए सर, सर इसके अंदर एक नई बात आ गई इंप्रूवमेंट की। अच्छा इंप्रूवमेंट की बात आ गई है, देखिए क्या लेंगे सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर कितने का बिका, खर्च दिया इस पे लेस एक्सपेंस कितने रुपए, कितने, 45,000। एनएससी नेट सेल कंसिडरेशन 24 लाख, 55,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसने खरीदा था कब, सवाल में कहता है 28/6/2005 को खरीदा था, और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन पेड किया था ये, तो सर 28/6/2005 में खरीदा गया था 4 लाख, और उसके ऊपर एक्सपेंस रजिस्ट्रेशन का कर दिया था उसने 1,10,000। तो सर अब जो देखा जाए तो 5,20,000 मेरे पॉकेट से खर्चे गए थे, अब यहां पे लिया जाएगा 5,20,000। अब इनटू और डिवाइड,
सर जिस साल खरीदा गया था डिवाइड और जिस साल बेचेंगे वो तो 317 है, और जिस साल खरीदा गया था डिवाइड, तो खरीदा गया था हमारा 5 और 6, तो सर 5 और 6 में 117। समझ में आई बात आपको? पहले देखिए, अब इसके अंदर एक पॉइंट और आ गया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट हो गया। सर कहता है इसने 1,80,000 और खर्च कर दिए, कब सर 15/6/2006 में इसने कितने खर्च दिए, तो सर ये भी मेरे कॉस्ट का पार्ट आ जाता है 1,80, और इसका भी इंडेक्सेशन करना होगा, जिस साल बेचा गया वो 317 और जिस साल खर्चे गए उसका डेट लेना है, तो खर्चा गया हमारा और इसका हमारा क्या है 100, तो सर 122 आ गया। तो सवाल को सॉल्व करते हैं, अब बड़ी सीधी सादी बात है, 5,20,000 इन डिवाइडेड बाय 117 कितना आ गया, 14,08,000, यही है ठीक है। अगले का 4,00,000 यही है, एक और जीरो, 4,67,000 सर इसको माइनस करिए, क्या आ रहा है, 578,408। चलिए सर बताइए कोई डाउट, बच्चे कह रहे हैं सर 7.5 का आंसर, सब आंसर दिखाएंगे चिंता मत करिए, सारा आंसर दिखाएंगे, और आपके पास अगर बुक है तो बुक में तो अवेलेबल होगा ही आंसर, दे रखा है बुक में, देखो आप, आपके पास होगा तो देखो। हमने कितने सवाल कर लिए, 4। पहले सवाल में देखा बड़ा बेसिक सा चीज था, और के अगर पुरानी वैल्यू होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक सवाल देखा अगर कोई पर्सन जिसने ओरिजिनल खरीदा था और वो प्रॉपर्टी उसके किसी बच्चे के नाम पे चला गया तो कैसे करेंगे, गिफ्ट हुआ तो कैसे करेंगे, अगर इसमें इंप्रूवमेंट हो गया तो कैसे करेंगे, वो चीजें हमने देखा। आगे बढ़े हम, चलिए सर एक और सवाल, बस अभी तो और भी सवाल है, बस लास्ट, बड़ी जल्दी खत्म हो गए सारे सवाल। तो चलिए सर इसमें क्या सिखाया गया एक बार देख लेते हैं, रेजिडेंशियल हाउस है और अमाउंट स्पेंट, चलिए हाँ अभी जिसको सवाल नहीं दिख रहा अभी दिखा देते हैं, चिंता मत करिए, हाँ बता तो दिया, अभी दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं बहुत, देखो ये लीजिए ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कहता है आर एक्वायर अ रेजिडेंशियल हाउस, एक घर खरीदा, और घर खरीदा 1/9/1900 सर कितने का, 8,00,000 का, ही स्पेंट 60,000 और इसी घर के ऊपर इसने एक्सपेंस कर दिया, सर एक्सपेंस क्या किया होगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, देखते हैं कौन बच्चा सही से जवाब देगा। पहले मैंने एक घर खरीदा, ही स्पेंड 60,000 इंप्रूवमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मैंने समझ लो मैंने और पैसे खर्च कर दिए और एक प्रॉपर्टी और इसके ऊपर बना लिया, कब खर्चे ये,
और इस इंप्रूवमेंट में मेरा पैसा चला गया, यानी दो मंजिल का मकान, दो फ्लोर का मकान हो चुका है हमारा। पहले खरीदा था वन फ्लोर था, एक और इसके ऊपर मैंने बना लिया 60,000 खर्च करके। फ्लोर लिखा नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं। अ फर्दर अमाउंट 2 लाख वॉज स्पेंट बाय, अच्छा ये खर्चा पे खर्चा किया जा रहा है, तो और भी इस पे खर्च किया इसने, टाइल वगैरह लगवा दिया यहां। और सर ये कब किया इसने, 15/11/2005 में, कितने रुपए, 2 लाख रुपए। वॉज स्पेंट हिम ऑन 15/11/2005 ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ हाउस, आर गिफ्टेड। अब लो सारा काम करके इसने सारा काम खराब कर दिया। आर ने गिफ्ट दे दिया अपने सन को, बी को। कब दे दिया इसने सन को, कब, 12/10/2014 में गिफ्ट कर दिया। और जिस दिन गिफ्ट किया गया, कहता है कि बी को किया गया, उसका बेटे का नाम क्या है, बी है। अब बी को गिफ्ट करा और बी ने बोला चलो मैं और इसको बेहतर तरीके से बनाऊंगा, और बी ने कुछ एक्सपेंडिचर कर दिया, एक इतने का और दूसरा एक्सपेंडिचर ये कर दिया। यानी बी ने जैसे ही घर इसके हाथ में आया, इसने फटाफट एक्सपेंडिचर करना चालू किया। 15/7/2015 को एक खर्चा इसने 2,40, और फिर खर्च दिया 15/6/2021 में भी पैसे लगाए इसने। यानी इसके जो भी बच्चा था, इसका सन था, उसने इस घर में और भी खर्च किए। समझ रहे हो क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्या हो रहा है, आगे इंप्रूव होता जा रहा है। पहले सिंपल सा था, थोड़ा सा एक स्टेप इंप्रूवमेंट, अब इंप्रूवमेंट में दोनों आ गए, यानी जितना सीखा सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। कहता है बी सोल्ड द अबव हाउस, और बी ने 2021 में बेच दिया, कितने का, 60 लाख का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सर कितने का बेचा, 60 लाख रुपए का। एक्सपेंस 2% तो लेस हो जाएगा, कितने, 2%, 1/20, 30 कौन बोल रहा था भाई, 58,80। कंप्यूट द कैपिटल गेन, और आपको फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया 12 लाख रुपए। ठीक है सर, फेयर मार्केट वैल्यू कब का है, मैं इसको अलग से कर देता हूं ताकि आपको हाईलाइटेड रहे। 1/4 फेयर मार्केट वैल्यू पता है क्या होता है, आप मकान के सामने खड़े हो गए, मकान को देखा, और आप बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हो, और फिर आपने बोला भैया इसकी कीमत इतनी होगी, ये तो भैया 20 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी है ही नहीं, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू। अब जब आप देख रहे हो मकान को, तो आपने सब कुछ देखा होगा, पूरा 2 मंजिल का है, 3 मंजिल का है, 4 मंजिल का है, या क्या चीजें हैं, टाइलें लग रहा है, लोकेशन सब कुछ देखोगे ना आप, क्योंकि आप अगर प्रॉपर्टी डीलर हो तो ईच एंड एवरीथिंग देख के फिर खरीदोगे। तो सर आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे क्या, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हम लेंगे फेयर एफएमवी, जो कि चलेगा 12 लाख से। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ, सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक नहीं है, एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये 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 है। मेरा सवाल है, क्या 60,000 रुपये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा, नहीं 2001 से पहले क्यों नहीं लिया जाएगा, कोई लॉजिक बताइए सर। बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं दिख रहा, पूरा दिखा दो, अब तो दिखा दिया। जवाब है सर नहीं लिया जाएगा, जवाब है नहीं लिया जाएगा। आप देखो मैं 2001 में हूं, 2001
2001 में मैं बोल रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का इतना ही, तो सिर्फ पहली मंजिल का बताऊंगा या पहली और दूसरे फ्लोर दोनों का ही बताऊंगा? अगर मैं 2001 में खड़े होके इस प्रॉपर्टी का एक वैल्यूएशन लगाऊं तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का बताऊंगा या दोनों का, पूरे मकान का? अब पूरा मकान का अगर मैं वैल्यू बता रहा हूं यहां पे कि 12 लाख है, तो ऑटोमेटिकली ये इंप्रूवमेंट वाले को देख के सब जुड़ चुका है ना इसमें, समझ रहे बात को? तो इसलिए अगर आपका 2001 से पहले एनी काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट डन बाय एनी एसएससी, देन इट विल बी इग्नोर्ड, उसे क्या कर देंगे? क्यों? क्योंकि 2001 में वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया हो, क्योंकि वैल्यूएशन पूरी हुई होगी। तो सर यहां पे 60,000 रुपए तो नहीं लेंगे, अब बचे तीन। अब तीन में एक पिताजी का कितना, 2 लाख, और दो बेटे का। अब बेटे वाला लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? सर पिछली बार बेटे वाले का फेयर मार्केट वैल्यू छोड़ दिया था, पिछली बार क्या करा था, छोड़ दिया था। अब बेटे वाला लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा भाई, बेटे ने जो भी इंप्रूवमेंट किया, एक्चुअल पैसा खर्चा हुआ है तो लिया जाएगा। यानी सर अगर बेटे को घर गिफ्ट में मिला, तो जिस दिन घर गिफ्ट में मिला उस दिन मार्केट वैल्यू क्या है, डजन मैटर। लेकिन अगर उसके बेटे ने या जिसको भी मिला है उसने कोई भी इंप्रूवमेंट डन कर दिया, तो वो कंसिडर किया जाएगा। तो सर यहां पे लिया जाएगा 2,40 भी, और यहां पे लिया जाएगा 1,80 भी। अब सर फटाफट से इंडेक्सेशन लगाइए, इनटू में तो 317 करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 100, फिर से इनटू में 317 करेंगे, सर डिवाइड करेंगे। अब दूसरा जो इंडेक्सेशन हुआ था 5 में हुआ था, तो 5 का वैल्यू निकाल ले, 5 क्या होगा, ये 5 और 6 में जाएगा ये। तो सर 5 और 6 का अगर हम देखें कितना है, आप बुक में देख के बताइए कितना है, 117 इंटू में 317। अब जो तीसरा उसके बेटे ने किया है सर, वो 2015 में किया है, ये 15 और 16 बनेगा, तो कितना हो गया, 254, 254। इसके बाद आ जाते हैं सर आपका 2021 के अंदर, 21 और 22 के कैटेगरी में जाएगा, तो कितना आएगा, इंटू 317 तो कर ही दे, और डिवाइडेड बाय 317 आएगा। समझ में आई बात? चलिए सर टोटल करके आंसर निकाल ले, 38,04,000। आगे एक और जीरो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो आगे। हाँ अरे मन मन में नहीं बोलना, सर 5,41 आगे, टू नाइन्टी नाइन, 527 और 1,80। सर अब ये पूरा सवाल हो गया, जिसमें आएगा एल टी -380 -541880 -299527 -180। सर ये आ गया 10,54,59। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एक बात याद रखिएगा, हमेशा 20% का कैपिटल गेन टैक्स ब्रैकेट लगता है, स्पेशल रेट लगते हैं, तो इसके स्पेशल रेट जितने भी कराएंगे तो सारा कवर कर लेंगे। पहले देखिए सवाल समझ में आया या नहीं आया। सर 12 लाख क्यों लिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में? खुशी आपको हर बार एक ही प्रॉब्लम क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, मार्केट वैल्यू 12 लाख क्यों लिया, क्योंकि आपके हिसाब से क्या लेना ये बता दो, आपके हिसाब से क्या लेगा तभी मैं समझा पाऊंगा ना और अच्छे से। आप बताइए जितने भी बच्चे हैं बैठे हुए हैं, बताइए क्या सही है, सारा समझ में आ रहा है? 10 नंबर का ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। अरे बड़ी जल्दी 9 बजने वाले हैं, खुश
खुशी क्या आना चाहिए? चलिए चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा क्लियर। ये इसलिए लेते हैं कि अगर आपने 2000, मैं फिर से बता देता हूं, फिर से बता देता हूं, द डाउट इज डाउट। 2001 से, ध्यान दीजिए, 2001 से पहले हमारे पास इंडेक्सेशन नहीं होता है। इधर नहीं दिख रहा है तो इधर बता देते हैं, 2001 से पहले इंडेक्सेशन नहीं होता है, तो 2001 का जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है हमेशा वही लेते हैं, क्योंकि उससे पुराने वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए हमारे पास वैल्यू नहीं है। इसलिए जो अभी हमने सवाल किया है इसके अंदर, आप ध्यान से देखो कहाँ गया, जो हमने अभी सवाल किया है इसके अंदर, ये जो वैल्यू गिवन है ये 2001 से पहले वैल्यू गिवन है जिसका इंडेक्सेशन नहीं है, इसलिए हमने 2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू गिवन था वही कंसिडर। एक सवाल आता है सर, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2001 में वैल्यू कम हो। गवर्नमेंट ये नहीं कहता कि आप फेयर मार्केट वैल्यू लो, गवर्नमेंट ने लॉ में कहीं नहीं लिखा कि एसएससी शुड बी ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। गवर्नमेंट ने कहा हम दो वैल्यू बता देते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू और आपका पुराना वैल्यू, जो इच्छा करे मान लो। तो आपको पता है कुछ समय के बाद तो हमेशा प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है, तो एफएम भी ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा अक्सर कंसिडर किया जाता है। लेकिन फॉर द टैक्स पर्पस प्लानिंग के लिए मान लेते हैं कि 2001 में होता 3 लाख रुपए, प्रॉपर्टी का रेट डाउन भी हो सकता है कई बार। कितने का होता? 3 लाख। जैसे यूक्रेन में जाओ, हाँ महंगी खरीदी थी और 2001 खरीदा, मान लेते हैं यूक्रेन में अगर आपने कितने का खरीदा होगा, आज आपको वहां पे सस्ता मिलेगा, है ना, क्योंकि वहां पे ऐसा सिचुएशन बन गया वॉर वाला, सब बेच रहे हैं, सोच रहे, खरीदने वाला तो कोई है ही नहीं। तो क्या पता 2001 के अंदर आपकी वैल्यू कम हो और खरीदा ज्यादा हो, ये आपका 8 लाख रुपए का और यहाँ पे मैं बोलूँ 4 लाख है, तब आप कौन सा कंसिडर करोगे फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग? तो मैं बोलूंगा सर हम 2001 की मार्केट वैल्यू को इग्नोर करेंगे, जो ज्यादा वैल्यू होगा ना, वट एवर इज हायर, हम वो कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आई बात आपको? ये जिनके पास पीटीपी है ना उनके लिए हेल्प करेगा, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन में डाल सकता है। कई बार बच्चे तो बोलते हैं 1-4 का वैल्यू लेना है, 1-4 का वैल्यू लेना है, एग्जामिनर ने चालाकी के लिए डाल दिया, आपका वैल्यू चेंज कर दिया, तो उसने जहां 1-4 का वैल्यू लिया वो आंसर गलत हो जाएगा पर्सनल टैक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग। चलिए सर, अब हम कुछ नोट पढ़ने लायक हो गए हैं। चलिए सर क्या कहता है, यहां नोट पे छोड़ा था हमने, कहता है इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल बी इग्नोर्ड। समझ में आई बात? अगर कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले किया गया तो क्या करेंगे? इग्नोर्ड करेंगे। आफ्टर 1/4/2021 एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, अरे 21 गलत आ गया सर, इसे भी ठीक कराएंगे, ये 2001 आना चाहिए। आफ्टर 1/4/2001 जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो लिया जाएगा। इंप्रूवमेंट वाली बात जो मैंने अभी प्रैक्टिकल में कर लिया तो आपके लिए नई बात नहीं लग रही होगी अभी, कि भैया 1/4/2021 से, 1 से पहले अगर होगा तो इग्नोर कर देंगे, बाद में होगा तो वही ले लेंगे। आगे कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर, प्रीवियस ऑनर में इन केस ऑफ एनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट इनहेरेंट्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन एज अ प्रीवियस ऑनर। सर ये सेक्शन हमें ऐसा करने को बोलता है 49(1), इन केस ऑफ प्रीवियस ऑनर परचेज एसेट्स बिफोर 1/4/2001 देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टेकन फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001। तो ये सारी लाइन पढ़ोगे तो आप सवाल करने के बाद आपको लगेगा ये तो हमें पता ही है। क्या बोलता है ये लाइन? कि अगर प्रीवियस ऑनर का कॉन्सेप्ट हुआ तो प्रॉपर्टी का कॉस्ट आप वही लोगे जो कि किसका होगा? प्रॉपर्टी के रियल ऑनर, प्रीवियस ऑनर का। लेकिन अगर उसने घर खरीदा होगा 1/4/2001 से पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया जाएगा। आगे कहता है ये अभी बाद में देखेंगे सर, लिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर पी चिदम्बरम ने बहुत बड़ा इसमें गड़बड़ कर दिया था, एक नया सेक्शन लेके आ गया था 112A, इस पूरे सेक्शन को हम अलग से पढ़ेंगे, इसके ऊपर सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं इस बार। तो अगर इक्विटी शेयर है तो वहां पे हम ले लेते हैं 31/1/2018 का, तो मैं अभी इसको नहीं पढ़ रहा, इग्नोर करके चल रहा हूं फिलहाल के लिए। तो ये नोट हमें समझ में आ गया, एक नोट और पढ़ लेते हैं सर। आपकी किताब का ही सीधा मैंने देखो, जो चीजें किताब में बेहतर गीवन है उसको मॉड्यूल करने का, ऑल्टर करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना।
कहता है सर इंडेक्सेशन नॉट अलाउड, सर कुछ केस में इंडेक्सेशन अलाउड नहीं, हालांकि मैंने बहुत समरी बना के कर दिया था कि आपका किस किस में अलाउड नहीं होगा, वो मैंने वहां लिख दिया था, वही बातें यहां है। कहता है ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल बीइंग बॉन्ड डिबेंचर नहीं अलाउड, पहले ही मैंने बता दिया। कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड इशू बाय गवर्नमेंट, बार बार बॉन्ड बॉन्ड, एक ही बार मैंने लिख दिया वहां बॉन्ड, बात खत्म। यहां पे बोल दिया डिबेंचर, फिर बोल दिया यहां पे ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, इसका भी इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। आपका इक्विटी ओरिएंटेड फंड इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, बिजनेस ट्रस्ट को भी अलाउड नहीं है। ट्रांसफर अंडरटेकिंग डिवीजन स्लम सेल, सर ये नया सेक्शन आया, इस पे भी इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। आगे हम देखेंगे, अभी बहुत सारे सेक्शन है सर इसके अंदर, बहुत सारे सेक्शन है। हमने 45 से स्टार्ट किया है, हम करीब इसमें 50 से ऊपर तक जाएंगे हम इसमें। आगे कहता है ट्रांसफर ऑफ ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट जीडीआर, सर जीडीआर भी क्या होता है, एक तरीके का बॉन्ड ही है। ट्रांसफर ऑफ ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, ठीक है सर जीडीआर है। आगे कहता है एनी सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी, उसके लिए भी नहीं है। यानी टोटल मिला के आप इसे 10 पॉइंट को पढ़ोगे ना, तो मैंने 10 पॉइंट को दो शब्द में खत्म किया। एनी काइंड ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर इंडेक्सेशन नॉट अलाउड, और डेप्रिसिएबल एसेट्स, ये नीचे लास्ट में कहता है नोट इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट पार्ट ऑफ द एसेट्स देन नो एक्विजिशन इंडेक्सेशन अलाउड, इसमें इंडेक्सेशन नहीं होगा। हालांकि किताब में बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन बात कितनी है, दो, डिबेंचर शेयर और बॉन्ड पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, और डेप्रिसिएबल एसेट्स पे, सर डेप्रिसिएशन एसेट्स में क्या है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर दैट्स इट, इनकम टैक्स ने लॉ में इसी के बारे में बोला है, इसके अलावा किसी के बारे में, वैसे तो डेप्रिसिएशन सब पे ही लगता है, लेकिन डेप्रिसिएबल एसेट्स का मतलब है प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, ठीक है ना, जिसके ऊपर WDV के हिसाब से हम निकालते हैं वो। चलिए सर आगे और क्या देखें हम, यहां तक तो सबको क्लियर, एक और सवाल कर लेते हैं। क्या नए सवाल में पढ़ते हैं पहले, अगर समझ में आ गया ना बड़े आसानी से तो आपको करने के लिए दे देंगे। कहता है आर एक्वायर अ लैंड 2000 में 16,20,000, कंस्ट्रक्ट द ग्राउंड फ्लोर 4-5 में, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका 16 लाख रुपए, ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया भाई इसने। ही फर्दर स्पेंड 14 लाख रुपए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर कंप्लीटेड द प्रीवियस ईयर 15-16, द एंटायर हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड 21 में 1,25,00,000 का, द एक्सपेंस वॉज द 20 लाख, नहीं 2 लाख, FMB दे रखा है आपको सर, कंप्यूट कैपिटल गेन। मेरे हिसाब से उस सवाल में कोई जान है नहीं, आप मुझे करके दिखा दीजिए फटाफट से इसको। करके दिखा दें फटाफट।
इंडेक्सेशन आप किताब में देख लेंगे, किताब में है अवेलेबल, और जिनके पास टेनियर है टेनियर में भी अवेलेबल डाल रखा है। एक बच्चे का जवाब आ गया 10,50,000। यस का सबसे पहले जवाब 10,50,000। अभी चेक करते हैं, जस्ट अलाउड मी अ मोमेंट। अभी देखते हैं जिस बच्चे का भी हैंड रेज आया है। सर यस ने कहा कुछ और, इंडेक्सेशन बता दो। अच्छा बच्चे कह रहे इंडेक्सेशन बता दे भाई, इंडेक्सेशन बता दो। बच्चे बता रहे हैं 3,58,260। धर लो, बहुत सारे बच्चों का है 3,58। हाँ 60-61। इंडेक्सेशन 10 ईयर या फिर गूगल कर लो एक बार आप, क्योंकि फिर क्वेश्चन हट जाएगा सामने से। सर किस किस का जवाब आ गया? सूरज का जवाब आ गया, अदिति का आ गया, दिया का आ गया, प्राची का आ गया, रिया का आ गया। यस आपने क्या आंसर दिया था मुझे समझ नहीं आया। विशाल का कहना है सर एक बार इंडेक्सेशन बता दो। तो सर इंडेक्सेशन एक बार आप देख लो, गिवन होगा उसमें कितने इंडेक्सेशन यूज हुए हैं इसमें, तो कौन कौन सा नहीं, इंडेक्सेशन कितने कितने आपने वो डेटा यूज किया इंडेक्सेशन में, कौन कौन सा है? नहीं 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 डी ईयर मुझे इंडेक्सेशन लिखना, जैसे 4-5 में कितने का। अरे नहीं वो इंडेक्सेशन का वैल्यू 317,405 जो ये होता है, हाँ 113 है। और अगला कौन सा यूज हुआ? 15, 16, 254 और
यस का 10:50, यस आपका गलत है, नसरीन का सही है, उदित का भी बिल्कुल ठीक है। पारस आपका भाई आंसर क्या आया, बुक में चेक करिए। पारस आपका आंसर गलत है, 216 21, एक बार दोबारा कैलकुलेट करिए। खुशी का भी आंसर आ गया है, ठीक है 61 चलेगा। एक बार मैं रफली बता देता हूं सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताते जाइए जिन्होंने सवाल सॉल्व किया है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताइए कितने रुपए, 1,25,00,000 माइनस एक्सपेंस आ गया, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने आए, 1,48,48 अगला भी है कोई, कितना आया, 200। सर इसको माइनस प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जो बच्चों ने लिखा है। हाँ वो लिख दिया, ये ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं सर, अगली क्लास में अब जो कई बार ऐसा हो सकता है, देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको निकालना पड़े, सोचना पड़े, तो अगली क्लास के अंदर हम या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो सेक्शन 55 कहता है वो सीखेंगे, और सेक्शन 54 की सीरीज में से जितना कर पाए वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। यस खुशी आपका ठीक आंसर है, यस अब आपका ठीक है, क्लियर। चलिए अब जिसका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए चैट में, अभी 2 मिनट वॉइस हैंड रेस का आंसर देते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, वॉइस नहीं आ रही थी सर, वो इंडेक्सेशन है 317। यस चलिए हैंड रेस किस किस का है, खुशी का, यस खुशी बताइए बताइए खुशी, हाँ जी बताइए। जैसे जो आपने पेन से लास्ट क्लास में फ्लो चार्ट बनाया था ना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का, हाँ हाँ हाँ, वो और जो 10 ईयर में है वो ना उल्टा है, वहाँ पे ना आपने लिखवाया था कि शॉर्ट टर्म वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म नहीं होते, बट उसमें उल्टा दे रखा है, आप एक बार वो वाला खोल के देखो जो आप अपने आपने पेन से खुद बनाया था। अच्छा नहीं वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कंफर्म करना था कौन सा वाला सही है। नहीं सही नहीं, देखो कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट विच इज नॉट शॉर्ट टर्म, यही दे रखा है ना उसमें, लाइक जो आपने खुद पेंसिल से बनाया था ना उसमें आपने लॉन्ग टर्म में लिख दिया था 12 महीने 24 महीने 36 मंथ्स। अच्छा 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 अच्छा, मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बता दिया था। हाँ वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस पता होना चाहिए कौन सा क्या है कौन सा नहीं है, ठीक है ना।
उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं शॉर्ट टर्म में लिख देता ये, यहाँ पे मैं ज्यादा ज्यादा की बात कर रहा था, शॉर्ट टर्म में मैं कम कम की बात कर लेता मैं, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता वो, ठीक है। ओके। ओके और सर ये जो नोट वाला लाइन थी जिसमें लिखा था कैपिटल एसेट्स दैट डू नॉट रिक्वायर इंडेक्सेशन, इसमें जो थर्ड पॉइंट है लिस्टेड इक्विटी शेयर, इसे हाँ आपने लिस्ट, लिखा था कुछ एक्सेप्शन होते मैं हैं। एक्सेप्शन, क्योंकि अभी अमेंडमेंट आया था, पहले तो कैपिटल इक्विटी शेयर लिस्टेड था ना, उस पर कैपिटल गेन लगता ही नहीं था, 2018 से लगना चालू हुआ, तो 2018 से पहले वाले को इंडेक्सेशन नहीं, एक मार्केट वैल्यू दिया गया, तो मैंने इसलिए उसको बताया नहीं, जब हम करेंगे ना तो उसे क्लियर करेंगे। वैसे इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है उसमें, विदाउट इंडेक्सेशन है। ठीक है सर, ओके। हाँ जी जाह्नवी, हाँ जी हाँ, बताइए, जैसे मेरे हाँ जी बताइए, आ रही है वॉइस आपको? शायद माइक ऑफ हो गया। यस बताइए। हेलो। एक बार दोबारा आप टैग करके भेजिए, आपने किस नंबर पे दिया है। हाँ आ गया। अच्छा हेलो, आपने सिर्फ लिखा आई हैव डाउट इन चैप्टर सैलरी, डाउट तो भेज दीजिए। ओके सर, मैं अभी भेज देती हूँ। डाउट था क्या वैसे, पूछ लीजिए, मैं बता ही देता हूँ अब तो। सर वो मुझे ना पेंशन में डाउट पेंशन में बताइए क्या डाउट है पेंशन में। सर। सर इसमें वो जो 10 ईयर में क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है ऑन रिटायरमेंट, तो वो कम्यूटेड पेंशन है ना, मुझे वो समझ नहीं आया कि वो कैसे निकालना है, मतलब उसका अमाउंट समझ नहीं आया मुझे। और एक मुझे डेप्रिसिएशन में डाउट है। डेप्रिसिएशन मैंने अभी कराया ही नहीं है, आपका बीकॉम ऑनर्स है ना, हाँ जी सर, अभी मैंने जो क्वेश्चन कह रहे हो पेंशन वाला पोर्शन तो बता दूंगा, डेप्रिसिएशन कराया ही नहीं है, इसी चैप्टर के अंदर मैं डेप्रिसिएशन को कवर कर लूंगा, ठीक है ना। अभी छोड़ा हुआ है मैंने वो क्वेश्चन जिसके अंदर कार की वैल्यू बेची गई है या लैपटॉप, जो भी वट एवर है, वो मैंने कराया ही नहीं है अभी। अच्छा सर। और सर ये पेंशन वाला, हाँ ये मुझे इसके, आपने इमेज क्लिक करके 10 ईयर में से मुझे भेज दीजिएगा, मैं वॉइस एसएमएस के थ्रू बता दूंगा कि क्या दिक्कत है, और अंडरलाइन भी कर दीजिएगा क्या है उसमें। ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। बच्चे कह रहे हैं सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है, आप फॉर्मूला पूछते हैं तो मैं लिख देता हूं आपके कहने पे। फॉर्मूला देखिए, सी ओ आई इज इक्वल टू जिस साल सेल, एक मिनट, इनटू में सेल ईयर का सी आई आई डिवाइडेड बाय एक्सपेंस जिस साल किया था ईयर का सी आई आई, जिस साल आपने खर्चा किया उस साल का नीचे आ जाएगा, बस ये फॉर्मूला नहीं है, इतने सारे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले ना, ऑटोमेटिकली हो जाना है सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए सर अगली क्लास में मिलते हैं हम, कल सवेरे क्लास है 11:30 बजे, और कुछ रिकॉर्डेड वीडियो आ नहीं रही थी कुछ टाइम से, थोड़ा सा डिले चल रहा था, थोड़ा ड्राइवर में मेरा वन ड्राइव जहाँ से मैं ट्रांसफ़र करता हूँ वीडियो, वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया था, तो अब दोबारा वो ठीक करवाया है, तो उसके बाद सारी वीडियो आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बच्चे पूछ रहे हैं सर सी आई आई क्या होता है, वही इंडेक्सेशन को बोलते हैं, सी आई आई कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन को, ठीक है ना। ठीक है चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट टेक केयर, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना आज कराया है, क्योंकि अब मैं इसको अगले क्लास के अंदर मेरी कोशिश रहेगी, मैं 54 थोड़ा हैवी सा है उसे करा दिया जाए, ठीक है।